हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एंड मैनी 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 हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज़। आज का दिन सारे मदर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है कि एक दिन ऐसा मिलता है जो उनको सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, जो उनके बच्चे उनके लिए कुछ करते हैं। वरना आज के दौर में सब बिजी होते हैं, किसी को टाइम नहीं होता है। और तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी औरतों। मैं भी एक माँ हूँ और मैं भी समझ सकती हूँ ये फीलिंग। जब तक माँ नहीं बनी थी तब तक इतना फील नहीं होता था। माँ बनने के वैसा एहसास होता है कि माँ बनना कितना डिफ़िकल्ट होता है। जो माँ हमारे लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता। थैंक यू मम्मा। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है जीरा और धनिया वाटर से, इनको बनाते फूल लेते हैं, सुबह डिनर पर पी लेती हूँ। फिर मैं लेती हूँ सुबह ड्राई फ्रूट, जिसमें कि किशमिश, बादाम, छुआरा और अंजीर रहता है। इसको भी मैं फुलाने के लिए देती हूँ रात में और सुबह में ले लेती हूँ। फिर मैं लेती हूँ मेरा जिंजर टी, जिसमें कि मैं गुड़ का यूज़ करती हूँ, चीनी का यूज़ नहीं करती, जो कि बहुत हेल्दी होता है। तो आज ब्रेकफास्ट में लिया है मैंने ये सफोला फिटमी का वैनिला शेक, जो कि बहुत टेस्टी होता है। मुझे भी बहुत टेस्टी होता है, तो मज़ा आ जाता है पीकर और पेट भी बहुत अच्छे से भर जाता है। तो आज लंच में मैंने लिया है स्पेशल बिरयानी, उसके साथ सैलड और रायता, जो कि बहुत 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 टेस्टी था। बहुत मज़ा आया खाकर। ये हमने बाहर से ऑर्डर किया था और इतना अच्छा स्मेल था ना इसका, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत मज़ा आया खाकर। फिर शाम में मैंने बनाया चाय, अपना टेस्टी वाला चाय। उसके बाद में फिर उसके पापड़, मसाला पापड़ बनाया। हस्बैंड को खाने का मन हो रहा था तो मैंने बनाया ये मसाला पापड़ हम दोनों के लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी था और क्रिस्पी भी था। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया, ऐसे ही रोस्ट किया हल्का तेल लगाकर। फिर रात में डिनर में मैंने लिया रोटी, भिंडी की सूखी सब्जी और जिसके साथ में सैलड में मैंने लिया मूली। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।